Let's now look at uh, the methods of valuation of intangible assets under the cost approach. And remember, cost approach is also known as asset approach. So, in the valuation uh, literature, these these two terms are used uh, interchangeably. Uh, sometimes, some places they would use cost approach and other times at other places they will use the asset approach but ultimately both mean the same thing so which are the methods for valuation of intangible assets under the cost approach so basically there are two methods for valuation of uh, intangible assets under the cost approach the method number 1 is reproduction method

अगर उसको रीक्रिएट करना पड़े तो कितना खर्चा uh, होगा दैट अमाउंट इज सपोज टू बी दी रिप्रोडक्शन कॉस्ट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट मैथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट एंड नंबर सेकेंड मैथड इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड एंड वॉट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड इज द करंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ सिमिलर न्यू आइटम हैविंग दी नियरेस्ट इक्वलेंट यूटिलिटी एज दी एसेट बींग वैल्यूड सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड का क्या मतलब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड का मतलब है कि ये जिस इंटेंजिबल एसेट को हम वैल्यू करना चाह रहे हैं तो जिस स्टेट में ये इंटेंजिबल एसेट है अगर इस इनटेंजिबल एसेट को इस ही यूटिलिटी के साथ में अगर रिप्लेस करना पड़े तो कितना खर्चा होगा हाउ मच कॉस्ट विल नीड टू बी इनकर्ड एंड दैट कॉस्ट विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ न्यू एसेट विद नियरस्ट इक्वलेंट यूटिलिटी दैट कॉस्ट विल बी दी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स अंडर द कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स अप्रोच